हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? मैं तो सब अच्छे होंगे। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राम राम सबको। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज हम बना रहे हैं, आज ना थोड़ी सी भूख लग रही थी तो घर पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हैं उन्हीं से आज कुछ ऐसा बनाया जाए जो खाने में स्वादिष्ट हो, चटपटा हो, चटाकेदार हो और मन खुश हो जाए। तो आज मैंने बनाए बिना ब्रेड और ब्रेड पकौड़ा। तो मैंने ये कैसे बनाए हैं और इतने टेस्टी बने थे कि एक बार आप बनाएंगे ना तो आप खाते रह जाएंगे। आपको जल्दी है, बहुत जल्दी में हो या कोई ऐसा काम करना है कि भाई टाइम नहीं है नाश्ता के लिए, तो ये बेस्ट नाश्ता है, सबसे अच्छा। बच्चे जा रहे हैं स्कूल तो उनके लंच में डालने के लिए सबसे बेस्ट है। बच्चे खुश होकर खाएंगे इस ब्रेड पकौड़े को, और कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को नुकसान करेगी। सब सारी चीज़ों से बनाया ये ब्रेड पकोड़ा और इतना टेस्टी, बिना तले हुए, बिना तेल के, देसी घी में बनाया हुआ ये ऐसा नाश्ता है कि आपका मन खुश हो जाएगा। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और आप इसको बना के बच्चों के लंच में डालें, या आप कहीं छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हो या कहीं भी आपको जाना है रास्ते में भूख लगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऐसा नाश्ता है कि आपका मन खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने कोई चीज़ बनाई है। और तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलो किचन में। तो अब हम आ गए किचन में। देखो ये चार पांच मैंने मिर्च ली है, थोड़ी सी गाजर रखी थी मेरे पास, थोड़ी लाल मिर्च थी, मैंने इसमें डाल दिया धनिया। और इनको मैं अच्छे से धो के चॉप कर लूँगी सारी चीज़ों को। और यकीन नहीं होगा आपको, इतना अच्छा नाश्ता बनता है ये कि मैं बता नहीं सकती। इतना टेस्टी, इतना खाने, चाय के साथ खाने में ना मज़ा आ गया, तो भूख भी मिट गई और अच्छा भी लगा। तो ये देखो मैंने इसको सबको चॉप कर लिया, और चॉप करने के बाद में इसको मैं सब निकाल लूँगी। अब इसको ये ना थोड़ा टाइट हो गया था तो निकल नहीं रहा था इसमें से ये। और ये मेरा बहुत पुराना चॉपर है, आज का नहीं है, कम से कम इसको 15-20 साल हो गए। और ये इतना अच्छा है, मेरी तरह मजबूत, कि ये गिर जाता है, टूट जाता नहीं है, टूटता नहीं है। पर ये जैसे मैं थक जाती हूँ, हार जाती हूँ, फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, उसी तरह ये मेरा चॉपर है, मेरा दिल जानी दुश्मन। और ये मैंने लिया 1 कटोरी, 1 कप बेसन है। और ये बेसन लेके इसमें मैं क्या डालूँगी, आपको मर्जी, आपने जितना बनाना है आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने थोड़ा ही बनाना है, हम 4 लोगों के लिए बनाना है। तो इसमें मैंने डाला ये सूजी, 4 से 5 चम्मच मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। सूजी डालने के बाद में मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच दही, और ये बड़ा वाला चम्मच था तो जो चाय वाली चम्मच होती है ये वो 2 चम्मच है, बाकी ये मैंने बड़े से डाला है। और मैं इसमें इस सबको मिक्स कर लूँगी आलू डाल के। और इसमें मैंने 2 आलू उबले हुए थे तो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज ये बनाते हैं। और मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ क्योंकि तला हुआ ज़्यादा बच्चे खाते नहीं, तो मैं ऐसे बना के इनको देती हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। मिनटों का काम है बनाने में, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और तला भी नहीं है और हेल्दी भी है, तो क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने बनाया ये नाश्ता। तो मैंने डाला इसमें नमक स्वाद अनुसार, जितना आप चाहते हो इसमें डालो, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें थोड़ा 1 पिंच के बराबर चुटकी भर इसमें डाल देंगे हम मीठा सोडा। और इसमें मैंने थोड़ा सा डालूंगी पानी, और इसको बैटर को हम बना लेंगे। जब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गीला कर लूंगी तो फिर मैं ये डालूंगी इसमें जो हमने चॉप करके सब्जियां रखी हैं। तो आपको पता है ब्रेड पकोड़े में आलू ज़रूर होता है, तो मैंने इसमें आलू भी मिक्स किया है और सब्जियां भी मिक्स की हैं। आप बताओ कितना हेल्दी बनेगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान करेगी। तो ये मैंने इसमें धो के भी डाल दिया। और अब मैं क्या करूँगी, ये छोटी चम्मच थी तो इस चम्मच को मैं निकाल दूँगी। इसके बाद में मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी, और जितना हम इसको फेंटेंगे ना हमारे जो ब्रेड पकोड़े हैं बहुत अच्छे बनेंगे और खाने में इतने टेस्टी कि खाते ही ना मज़ा आ गया खा के। चाय साथ में, चाय, और बस इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है,
ना ज़्यादा पतला होगा ना ज़्यादा गाढ़ा होगा, बीच का होगा। जैसे कि हम बनाते हैं ना पकौड़े, जब पुआ बनाते हैं ऐसा बेसन। अब इसमें सूजी है तो इसके लिए हमें 10-15 मिनट रखना भी पड़ेगा। रखने के बाद में देखो आपकी इसका अगर बैटर गाढ़ा है तो इसमें 2 चम्मच पानी और डाल दो, बस। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बन के हो गया रेडी। और अब इसे हम जितना हम इसको चलाएंगे फेंटेंगे ना, हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो उतना ही अच्छा बनेगा और ये ब्रेड खाने में मज़ा आ जाए। आपके घर पर कोई आ रहा है और आपके पास में थोड़ा सा सामान है तो आप मिनटों में बना सकते हो इस चीज़ को। और ये मैंने लिया सैंडविच मेकर, इसमें मैं बनाऊंगी ये ब्रेड पकौड़े। वीडियो को पूरा देखें, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो मैं घर का नॉर्मल जो खाना बनाती हूँ मैं बस वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाती जो वेस्ट वाली हो, मैं सब चीज़ें आपके सामने बनाती हूँ। और अब मैंने इसमें घी लगा दिया, एक बार मैं घी लगाऊंगी इसमें और फिर जितने भी होंगे मैं बना लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप जब ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ऐसे ही मैं ऊपर लगा दूँगी, ऐसे ही मैं नीचे लगा दूँगी। और अब मैं इस बैटर को उठाऊँगी और बस इसमें मैं ये फिलिंग भर दूँगी। देखो मैंने अच्छे से घी डाल दिया इसके अंदर और चारों खानों में मैं इसको भर दूँगी। बच्चे तो यकीन मानिए आपके बच्चे खुश हो जाएंगे ये खा के, चटनी के साथ, अगर सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ आप इसको खा सकते हैं। अलग अलग चारों खानों में डाल देंगे बिल्कुल ब्रेड पकोड़े की तरह। और इसको हम बंद कर देंगे। देखो बिल्कुल लग रहे हैं ना जैसे परफेक्ट ब्रेड पकोड़ा है ना हमारा। देख लो कि इतना टेस्टी है, वाह, मेरे मुंह में ना अभी भी पानी आ रहा है, इतना टेस्टी है। और बस अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। ऊपर से मैंने पानी डल गया था तो मैंने इसको पोंछ दिया और इसको मैं थोड़ी देर में, अगर इसकी ना एक बटन होता ना हरे वाला वो टूट गया है, उसको टूटने से ना मज़ा ख़राब हो गया इसका। तो ये देखो हमारे ब्रेड पकोड़े बनके तैयार हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल ठंडे। और ये देखो, तो आप बताओ खाने में मज़ा आएगा ना, बिना ब्रेड ब्रेड पकोड़ा बनाने में कितना मज़ा आ रहा है मुझे कि आपको मैं बता नहीं सकती। मेरा मन खुश हो गया कि हाँ, तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ें ना ट्राई करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए। तो ये मैं निकाल लूँगी और दोबारा से फिर ऐसे ही रख दूँगी, सारे ब्रेड पकोड़े मैं ऐसे ही बना के रख लूँगी। फिर मैं बनाऊँगी चाय और चाय के साथ हम लेंगे मज़ा। तो आप भी ऐसे ही बनाएं और चाय के साथ में मज़ा लें, चटनी के साथ। अगर आपने मेरे हाथ से खाने हैं तो घर पे आइएगा और खाइएगा, तो ये गर्म गर्मा गर्म बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये देखो हम सजा रहे हैं अपने ब्रेड पकौड़े, प्लेटिंग कर रही हूँ मैं। और हम लोग चारों लोगों के लिए, ये बहुत ज़्यादा है, थोड़े से बचेंगे तो हम शर्मा जी के लिए भी रख देंगे और रात को हमारे बच्चे आएंगे। तो लाल चटनी के साथ, सॉस के साथ, आपको कैसे लग रहे हैं ये? अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने तोड़ दिया था आरती के लिए, मैंने दिया था और देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल कच्चा नहीं रहेगा, अंदर से बहुत अच्छा सिक भी जाता है और देखो बिना तेल के है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। तो चलो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय।